दोस्तों, अगर कोई आपका दिल दुखाए और आप उसे जवाब ना दें, तो ये मत सोचिएगा कि उसे जवाब नहीं मिला, क्योंकि जिसे आप जवाब नहीं देंगे, उसे वक्त जवाब देगा, और वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। जो शख्स आपकी बात को अहमियत नहीं देता, खामोशी ही उसके लिए बेहतरीन जवाब है। ज़िंदगी में अगर कोई आपके अच्छे अमल को अहमियत ना दे, आपको क्रेडिट ना दे, तो अच्छा अमल करना ना छोड़े। एक वक्त आएगा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी अच्छाई की गवाही देने लगेगा। अगर आप अच्छाई चाहते हैं, तो लोगों के साथ अच्छाई करना शुरू कर दें, आपके साथ अच्छाई होने लगेंगी। अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं, तो लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें, आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी एक की आप इज्जत करें और वो जवाब में आपकी इज्जत ना करें, तो आप उसके साथ जिद मत लगाएं, वो नहीं करता तो ना करें। लेकिन और बेशुमार लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपकी इज्जत में इजाफा ज़रूर होगा, क्योंकि अच्छाई बहते पानी की तरह होती है। अगर आप अच्छाई करते रहेंगे, तो जिस तरह पानी कचरे को किनारे पर लगा देता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी अच्छाई भी लोगों के बुरे रवैये को किनारे पर लगा देंगी। ज़िंदगी में कभी भी ना उम्मीद ना हो, उम्मीद की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। अपनी ज़िंदगी में आने वाले बुरे लोगों से नफरत ना करें, बुरे वाकयात को याद करके अफसरदा ना हों। बुरे लोग और बुरे वाकयात ही आपको ज़िंदगी का सही सबक सिखा कर जाते हैं। वक्त एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती, कौन अपना है कौन पराया है, ये तो हमें वक्त ने ही बताया है। कामयाब लोग हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में और नाकाम लोग हालात और वाकयात को इल्ज़ाम देते रहते। आप कामयाब होंगे या नाकाम, फैसला अभी कर लें। लोगों के सामने कभी भी अपनी कमजोरियां ना बयान करें। लोग आपके सामने तो आपसे हमदर्दी करेंगे, लेकिन बाद में दूसरों के सामने आपका तमाशा ही बनाएंगे, क्योंकि जब तक हमें खुद चोट ना लगे, हमें दूसरों के जख्म दिखाई नहीं देते। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। इसलिए दुनिया को कभी अपनी कमजोरी ना दिखाओ, क्योंकि दुनिया वाले ज़रूर उसके साथ खेल कर चले जाएंगे। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाकर भी कुछ इस तरह पेश आते हैं, जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। गलती एक पेज की तरह होती है, जबकि रिश्ता पूरी किताब होती है। बाज़ लोग एक पेज की वजह से पूरी किताब ख़राब कर देते हैं। खुद का मान अगर चाहते हो, तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर ज़बान मिली है, तो सुनने के लिए कान भी रखो। हमेशा लोगों के एहसास को समझने की कोशिश करो। कई मर्तबा आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। किसी से बेहतर करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर किसी का बेहतर करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की कोई एक बात भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। वस्सलाम।